भूमाफियाओं का इतना मन बढ़ गया है कि रोज रात को घर में गुंडे भेजकर आदिवासी परिवार को डराने धमकाने का काम करने लगे हैं। ऐसा ही एक मामला रांची के मांडल में देखने को मिला। इनका कहना है कि भूमाफियाओं द्वारा इनकी जमीन को जबरदस्ती लूटने की साजिश हो रहा है। वहीं आज रांची के एसटीएससी थाना में उन्होंने मामला दर्ज करवाया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा। शेरे साहब हम लोग को बार बार टॉर्चर कर रहा है, इससे हम लोग को बहुत डर भी ना हुआ है। हम लोग किसी तरह कोई घटना घटता है उसका जिम्मा सिर्फ और सिर्फ क्षति होगा। कहे कि साल भर एक साल हो जा रहा है हम लोग का, ये जनवरी में हम लोग मुकदमा किए थे, उसके बाद बार बार हमको आदमी भेज के दौड़ा धमकाया जा रहा है, इसलिए हमको डर है कहीं दोहरानी होता है उसका जिम्मा सिर्फ क्षति होगा। आठ महीना में कितना लोग पहुँचा आपके पास? 8 महीना में 10-12 आदमी। डर कुमार छेदी का कोई आदमी भेज रहा था, देखिए बोल रहा था कि 5 लाख पैसा दो हम तो जान से मार देंगे, केस उठाओ कह के बोल रहा है, छेदी का केस उठाओ हम तो जान से मार देंगे। और रात को गया था घर, कोई आदमी गया था रात के, दूरा ढकढका रहा था, डर के मारे सब छोगो पुता ले को हम लोग दूसरा घर में जा कर रहे। मेरा नाम विष्णुधारी मुंडा हुआ और मामला है मेरा दो प्लॉट का माटी उठा दिया छेदी साहू भट्टा मालिक है, बीजेपी का नेता बोलता है अपने आप को। और जब हम लोग पूछते हैं कि मेरा मिट्टी कहे उठाया तो गाली गलौज करने लगा और बोला कि ज़मीन दे दो तो जान से मार देंगे, और गाली गलौज करने लगा। उसी कारण हम लोग SST आए थाना और फिर केस किए थे। केस करने के बाद DSP के पास प्रोविजन हो के चला गया, उसके बाद मामला कहाँ है नहीं हम लोग को नहीं पता। उसके बीच में बार बार आदमी भेज के हम लोग घर में परेशान कर रहा है, कभी कोई आके धमकी दे रहा है कि जांच मारने केस उठा लो। उसके बाद फिर हम लोग को मारेंगे पीटेंगे, तुम कौन होती है बोलने वाला बोल के हमको धक्का मार दिया, और बोल रहा था कि पैसा दो ऐसे वैसे बोल के खूब गाली गलौज गंदा गंदा गाली दिया माँ बहन बोल के, बहुत खराब खराब बोला। कौन गाली दे रहा है? वही विवेक। और हमको धक्का दिया, हम गिर गए थे, और बोल रहा था कि 5 लाख पैसा दो बोल के। छेदी साहू हम लोग बोले तो बोल रहा है कि बात को उल्टा घुमा दिया। ऊपर ही हम लोग को सब है और वही सब करवा रहे हैं। कौन करवा रहा है, किससे डर है? छेदी साहू। तो क्या लगता है मतलब छेदी की जल्द से जल्द गिरफ्तारी होनी चाहिए? होनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।